बिस्मिल्ल रन इब्राहीम अल्ला सैदना अस्सलाम असलैक्म क्लास सिक्स साइंस न्यू कोर्स 2023 सिंगल नेशनल करिकुलम बेटा इससे पहले हम लोग यूनिट नंबर वन टू कर चुके हैं यूनिट नंबर थ्री आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस डाइट यूनिट का नाम है इसकी एक्सरसाइज के कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में करेंगे तो आइए चलते हैं बेटा वीडियो की तरफ सबसे पहले हम लोग चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बेटा टॉपिक हमारे पास बैलेंस डाइट है जो चैप्टर का नाम है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है देखें न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेटा यूजफुल मटेरियल्स प्रेजेंट इन फूड फूड में जो आपके लिए फायदेमंद मटेरियल होता है जो आपको एनर्जी देते हैं वो क्या कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रेंट्स विच आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे न्यूट्रेंट्स जो एनर्जी का बहुत फास्ट सोर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं प्रोटीन्स बेटा अक्सर हम लोग कहते हैं कि प्रोटीन्स खाया करें आप लोग प्रोटीन रिच फूड खाया करें तो न्यूट वो भी न्यूट्रेंट्स है रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ यानी आपके बढ़ने के लिए रिपेयर यानी कि कोई आपको प्रॉब्लम हो जाती है उसको दोबारा ठीक होने में रिप्रोडक्शन एंड मैनी अदर वाइटल फंक्शन में हमारे पास प्रोटीन्स की जरूरत होती है फैट्स बेटा न्यूट्रिएंट्स विच प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन एंड आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा ये भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी जो विच प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन बॉडी के जो ऑर्गन है उनकी हिफाजत करती है एंड आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी और ये भी एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त खजाना होता है ठीक है डाइट डाइट इज ऑल देट वी ईट इन अ डे पूरे हम हमेशा जो डेली हम जो चीज़ें खाते हैं वो हमारी डाइट का हिस्सा होती हैं उस पर फिर हेल्दी डाइट आती है हमारे पास बैलेंस डाइट बेटा क्या होता है डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल अब एक इंसान को जो नू, जिन न्यूट्रेंट्स की जरूरत होती है अगर वो सारी हम प्रॉपर खाएं तो हमारी डाइट क्या होगी बैलेंस होगी विटा वीता, वाइटामस न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी जो न्यूट्रेंट जिनकी हमें थोड़ी कम मिकदार में ज़रूरत होती है उनको क्या कहते हैं वाइटामस बट दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे आप चलते हैं क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आपकी बुक पे थ्री पॉइंट टू के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर वन है वाई डू वी नीड फूड बेटा हमें फ़ूड क्यों चाहिए बेटा फूड हमें क्यों चाहिए हमें जहरी बात है फूड एनर्जी के लिए चाहिए ठीक है ग्रोथ के लिए चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए अपनी हिफाजत के लिए चाहिए तो फूड प्रोवाइड अस एनर्जी न्यूट्रेंट्स नीडिट फॉर वाइटल प्रोसेस लाइक ग्रोथ रिपेयर रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन नेम मेजर फूड ग्रुप्स जो मेन जो मेजर फूड ग्रुप्स हैं वो कौन से अभी मैंने आपको बताए भी थे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे पास प्रोटीन्स हैं फैट्स हैं वाइटाम्स हैं और मिनरल्स हैं नेम सोर्स ऑफ विटामिन ए विटामिन ए हमें किस सोर्स से मिलती है बेटा कैरेट से विटामिन ए मिलती है कॉड लीवर ऑयल से हमें विटामिन ए मिलती है ये जो है हमारे पास विटामिन ए के सोर्सेज है नंबर फोर क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इन लिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी विटामिन सी और डी के क्या सोर्सेज है बेटा विटामिन सी तो हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है जैसे ऑरेंज हो गया लेमन हो गया ब्रोकोलाई हो गया स्ट्रॉबेरी ठीक है ये सारी चीज़ें क्या है? विटामिन सी का ज़रिया है और विटामिन डी हमें दूध से मिलता है ठीक है उसके बाद सोयाबीन ऑयल से मिलता है और आर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी लिस्ट सोर्सेज ऑफ़ मिनरल्स मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा मिनरल्स भी दूध में पाए जाते हैं गोश्त में होते हैं दालों में होते हैं वेजिटेबल्स यानी सब्जियों में होते हैं फ्रूट्स में एग्स में फ़िश में इन सब में क्या होते हैं मिनरल्स होते हैं वट इज़ अनबैलेंसड डाइट बेटा बैलेंसड डाइट जैसे हमारे लिए जरूरी है तो अनबैलेंसड डाइट वो क्या होती है जो जिसमें हमारी जो असेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं वो पूरे ना हो हमारी क्या होगी अनबैलेंस डाइट अ डाइट लैकिंग वन और मोर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड बाय अ पर्सन ऐसी डाइट जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो हमारी जरूरत की जो कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए या उसके बाद बॉडी uh, की जो आप ग्रोथ कह सकते हैं तो उसमें जो हमारे पास जो है वो दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट इस टेबल साल्ट मिनरल क्या टेबल साल्ट मिनरल है टेबल साल्ट इज अ मिनरल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन इट इसमें सोडियम मौजूद होता है इसलिए ये क्या है हमारे पास मिनरल है जी तो बेटा शॉर्ट uh, क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास खत्म हो गए हैं चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास वॉट इज बैलेंस डाइट चैप्टर इंशाल्लाह आप लोग स्टडी करने के बाद अपनी डाइट का आप ख्याल जरूर रखेंगे बेटा बैलेंस डाइट क्या होता है ऐसी खुराक जिसमें न्यूट्रेंट्स की प्रॉपर मिकदार हो जैसे वाइटामिन भी हो मिनरल्स भी हों कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह जितनी हमें बॉडी को चाहिए उतनी मिकदार में अगर हम डाइट खाते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट होगी नीडेड फॉर अ पर्सन सुटेबल टू इट्स एज जॉब एंड हेल्थ कंडीशन आपकी एज के हिसाब से आपकी जॉब के हिसाब से आपकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से क्या खुराक आपको खानी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो दैट इज कॉल्ड बैलेंसड डाइट बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है डिफरेंट फूड्स कंटेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट हर चीज़ में मुख्तलिफ न्यूट्रेंट्स होते हैं बेटा अ डाइट इज ऑल देट वी ईट इन अ डे पूरे दिन में हम जो खुराक खाते हैं अ बैलेंस्ड डाइट कंटेंट्स प्रॉपर अमाउंट पर न्यूट्रेंट दैट आवर बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं अवर ईटिंग और इन टेक ऑफ फूड कंटेनिंग न्यूट्रेंट्स इन लेस अमाउंट दैट नीडिड इन अवर बॉडी क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम अगर हम बहुत ज़्यादा खुराक खा लें या जितनी खुराक हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है जितनी न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड हैं उससे कम खाएँ तो उससे हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं ठीक है यूज़ ऑफ बैलेंस डाइट कीप्स अवर बॉडी हेल्थी अगर हम बैलेंस डाइट खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी हम लोग सेहतमंद रहेंगे बेटा तो आपने बैलेंस डाइट बेटा अपनी रखनी है फूड आइटम्स आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट्स फॉर द पीपल ऑफ़ डिफरेंट एज ग्रुप्स हर एज के लोगों के लिए मुख्तलिफ़ फ़ूड जो होती है वो रिकमेंड की जाती है और उनको वही खुराक खाएँ तो उनकी बॉडी हेल्दी रहती है अब न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द एज जॉब ऑफ द पर्सन हेल्थ कंडीशन अब जो आपको न्यूट्रेंट्स की जरूरत है जो आपकी खुराक में जो एनर्जी है उसकी जो आपको जरूरत है वो आपकी एज पे डिपेंड करती है अब ये नहीं कि आप जो है बहुत ज़्यादा उम्र के हैं तो आप लगातार गोश्त खाना शुरू कर दें जिसको आप हज़म ही ना कर सकें या फिर आपकी उम्र कम उम्र है ठीक है और आप ऐसी खुराक खाएँ जो आपकी बॉडी हज़म ना कर सके आपकी जॉब की नेचर क्या है हार्ड जॉब है या फिर आप लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हेल्थ कंडीशन कैसी है आपका निज़ाम नज़ाम यानी आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा है तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करती है बैलेंस डाइट जी तो बेटा ये एक टेबल चार्ट है आपके सामने इसको आप लोगों ने देख लेना है कि यंग एज पे बच्चों को यानी कि एक एक माह से बारह माह की एज तक बच्चों के लिए सिर्फ दूध काफ़ी होता है फिर तो उसके बाद दूध के साथ साथ शुगर एग फ्रूट जूस वगैरह इस तरह ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है एडल्ट एज में आपके पास क्या होता है 19 से 40 इयर्स तक आप फ्रूट्स वेजिटेबल हनी राइस ब्रेड बटर चीज़ चिकन फ़िश मीट ड्राई फ्रूट बीफ ये सारा कुछ खा सकते हैं और 41 से 50 तक आप मिल्क एग फ्रूट वेजिटेबल्स राइस ब्रेड चीज़ चिकन फिश ड्राई फ्रूट और ओल्ड एज में क्या होता है 50 से अबव आप मिल्क फैट फ्री मिल्क पिए ठीक है एग आप खा सकते हैं फ्रूट वेजिटेबल राइस ब्रेड वगैरह ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन थी इसका यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से कोई अलग नहीं है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है बेटा हमारे पास डिस्क्राइब सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं किन फूड से और इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में बेटा सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखें ग्लूकोज शुगर स्टार्च एट्सेट्रा आर द फूड बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप से बिलोंग करती हैं शुगर्स आर प्रेजेंट इन हनी ठीक है शुगर हनी में मौजूद होता है फ्रूट्स मिल्क व्हीट राइस बार्ले पोटैटो टमाटो एक्सेट्रा ये तमाम चीज़ें जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं ठीक है और कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी का एक फास्ट सोर्स है मोस्ट ऑफ़ द एनर्जी नीड्स ऑफ अवर बॉडी आर मेट बाय कार्बोहाइड्रेट्स जो ज़्यादा एनर्जी हमें बॉडी में चाहिए होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स से होती है सो दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी ये हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करते हैं यानी ईंधन के तौर पर काम करते ये कुछ खुराकें हैं जो आपके सामने आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच इन कार्बोहाइड्रेट होती है चपातीज ब्रेड बनानाज पोटैटो इसके अलावा टोमेटो भी है हमारे पास ठीक है राइस है हमारे पास मिल्क है वीट है तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन्स का सोर्स कहाँ से हासिल होता है बेटा आपको पता है फिश में प्रोटीन होती है दालों में होती है एग्स में गोश्त में होती है दूध में चिकन में नट्स में बीन्स में पीज एंड सीड्स आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स और इनके फंक्शन क्या है बेटा प्रोटीन और फूड ग्रुप विच प्रोवाइड मटेरियल फॉर इन ग्रोथ के लिए हमारा जरूरी होता है रिपेयर एंड प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है प्रोटीन्स आर दस नॉन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी हमारी बॉडी का ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है ठीक है तो ये जो पिक्चर्स uh, मैंने आपके सामने लगाई हैं कुछ तो ये हमारे पास ये अब अगर आपको प्रोटीन की कमी है अंडे खाएं दालें खाएं दूध पिएं चिकन है मीट है फ्रेश मीट और फिश है हमारे पास ठीक है स्टेट सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ वाइटाम के सोर्स क्या है फंक्शन के सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए वाइटामिन होता क्या है वाइटामिन आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच आर नीडेड बाई आवर बॉडी वाइटाम बॉडी को लेस अमाउंट में जरूरत होते हैं लेकिन जरूरी लाजमी होते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है वाइटामिन डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं करते बट दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग दे प्रोटेक्ट अस फ्राम डिजीज एंड कीप अवर आइज बॉन्स टीथ एंड गम्स हल्दी वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स वाइटामिन के मुख्य टाइप्स है अब ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है सोर्स एंड फंक्शन ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि वाइटामिन होता क्या है सोर्सेज क्या वाइटामिन के वाइटामिन ए सी डी ई के A, B, C, D, e, K, ये वाइटामिन के नाम है वाइटामिन ए हमें कैरट से कॉर्ड लीवर ऑयल से हासिल होती है कीप साइज़ हेल्दी देखें बेटा आपकी आंखों की अगर नज़र कमज़ोर है ना आपकी तो आप गाजरों का जूस दबा के पिए आपकी नज़र ठीक हो जाएगी एंड प्रोटेक्ट्स फ्राम नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है विटामिन बी का फंक्शन क्या है ये कहाँ से हमें असर होती है बनाना फिश वीट फ्रेश मीट वगैरह से और प्रोटेक्ट्स फ्राम ब्राइबरी लैक ऑफ एनर्जी मानी एनर्जी में कमी को पूरा करती है एंड डिजीज ऑफ़ नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम जो डिजीज़ होती है उनको ये ख़त्म करती है सी जो है आपको बता चुका हूँ मैं सिट्रस फ्रूट से ऑरेंज वगैरह लेमन वगैरह स्ट्रॉबेरी वगैरह से कीप्स स्किन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स फ्राम स्कर्वी सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स गम्स में जो आप आपको जो अक्सर ब्लीडिंग होती है उसको उस, उससे ये बचाती है नंबर डी विटामिन डी यानी विटामिन डी मिल्क कॉड लीवर और सोयाबीन से हमें हासिल होती है प्रोटेक्ट्स फ्राम रिकट्स बेटा रिकिट्स होती है ये बीमारी होती है बच्चों में जो होती है ना ये बोन्स की बीमारी होती है उसको रिकट्स बोलते हैं डिजीज इन विच बोन्स बिकॉम सॉफ्ट एंड वीकिया पतली और नरम हो जाती है वाइटामिन ई एग्स ड्राई फ्रूट्स पीज एक्सेक्ट्रा से असल होती है कीप्स मसल्स हेल्दी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीजेस वाइटामिन के मिल्क लीफी वेजिटेबल्स फ्रूट्स और एसेंशियल फॉर बॉडी क्लॉथिंग्स क्वेश्चन नंबर फाइव है बेटा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में एक्सप्लेन सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ मिनरल्स बेटा मिनरल्स क्या होता है पहले आप ये देख लें मिनरल्स लाइक कैल्शियम आयरन आयोडीन फ्लोरीन फास्फोरस सोडियम पोटेशियम जिंक एट्सट्रा आर आल्सो असेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड दे आर नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यू लाइक बोन्स टीथ एंड ब्लड सेल्स बॉडी टिश्यू बनाने के लिए जरूरी होते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी की ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका बेटा मिनरल्स आर फाउंड इन मिल्क दूध में पाए जाते हैं और मीट में अब इनका मिनरल्स कैल्शियम है एक आयरन है फंक्शन क्या है मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग मतलब कैल्शियम से आपकी हड्डियाँ स्ट्रोंग होती हैं आपके दांत मजबूत होते हैं दूध आप लोग दबा के पिया करें ताकि आप लोगों के बोन्स स्ट्रोंग हो और दांत स्ट्रोंग हो मसल्स आपके हेल्दी रहते हैं और ब्लड क्लाथिंग से बचाती है ये ठीक है मिल्क ग्रीन वेजिटेबल्स एग फिश यानी मिल्क से हमें हासिल होता है ग्रीन वेजिटेबल से एग से और फिश से हमें कैल्शियम हासिल होता है आयरन आयरन भी एक मिनरल है हमारे पास ये हमारे ब्लड में होमोग्लोबन की मिकदार को बढ़ाता है एंड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स लीवर मीट एग्स डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स एप्पल्स पोमीग्रांट ये चीजें खाने से आयरन की कमी पूरी होती है बेटा अगर आप किसी में आयरन की कमी है तो वो ये चीजें खा ले कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो ये चीजें ले ठीक है अपने फूड में इन चीजों को इंक्रीज कर दे क्वेश्चन सिक्स है सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फैट्स अब फैट्स क्या होता है बटर ऑयल एनिमल फैट एक्सेट्रा आर फूड ग्रुप नॉन एज फैट्स न ऑयल कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल ये हमें प्लाट्स से हासिल होता है ठीक है ये हमारे पास फैट्स के सोर्सेज हैं ऑयल हो गया बटर हो गया नट्स हो गया चीज हो गया फंक्शन क्या है बेटा हमारे पास फैट्स आर स्टोर अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्राम द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस टेम्परेचर की तब्दीली से हमारी बॉडी को बचाती है दे गिव सेफ्टी कवर टू वाइटल बॉडी ऑर्गन लाइक हार्ट ब्रेन किडनी एंड लीवर दे कीप आवर बॉडी वार्म फैट्स आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर यूज एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो ये एनर्जी को पूरा करने में मदद देती है क्वेश्चन सेवन है बेटा हमारे पास व्हाट इज फूड पैरामिड एक्सप्लेन फूड पैरामिड जो है बेटा फूड पैरामिड इज अ चार्ट दैट हेल्प्स अस इन चूजिंग डिफरेंट फूड आइटम्स फॉर आवर डेली डाइट ये एक चार्ट है जो हमें अपनी डेली रूटीन में फूड जो हमें चूज करनी है कौन सी चीज़ खानी है कितनी मिकदार में खानी है कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है कौन सी कम खानी है ये फूड पैरामिड में आता है इस चार्ट में हमारे पास होता है अब देखिए फिगर थ्री पॉइंट टू ये सेवन जो है ये शो कर रही है अ चार्ट ऑफ फूड आइटम प्लेस इन डिफरेंट शेल्व द बेस ऑफ द चार्ट शोज़ वट टेक द मैक्सिमम ये जो बेस में ज़्यादा बड़ी जगह घेरी हुई है इसने ये हमें शो करता है कि आ चीज़ हम ज़्यादा खा सकते हैं जैसे ब्रेड सीरियल्स राइस पास्ता ये चीज़ हम ज़्यादा खा सकते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स उनसे थोड़ी हम कम प्रोटीन उनके मुकाबले में कम खा सकते हैं खाएं ठीक है फिर मिल्क चीज़ योगर्ट उससे थोड़ा कम लें मेरी मिल्क पोल्ट्री फ़िश नट्स डेली बेसिस पे नहीं खानी चाहिए उसके बाद फैट्स ऑयल्स ये भी आपने कम से कम लेनी है फैट्स और ऑयल्स को ठीक है तो ये हमारे पास फूड पैरामिट था क्वेश्चन नंबर एट है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स ये ज़रूरी क्यों है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड फ्राम इन तमाम ग्रुप्स से फूड खाना जरूरी क्यों है ये नहीं ये मैंने आपके सामने पैरामिट शो किया था ना तो हर ग्रुप से फ़ूड खाना ज़रूरी क्यों है ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं वेजिटेबल्स का है मीट वगैरह मिल्क है प्रोटीन मिनरल्स फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स हर ग्रुप से चीज़ें खाना ज़रूरी क्यों है डिफरेंट फूड कंटेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रेंट हर फूड में अलग अलग न्यूट्रेंट्स होते हैं अ डाइट दैट इज़ ऑल दैट वी ईट इन अ डे शुड बी अ बैलेंस डाइट जो हम पूरे दिन में खुराक खाते हैं ना बेटा वो बैलेंस होनी चाहिए डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स कंटेंट डिफरेंट न्यूट्रेंट मुख्तलिफूड आइटम्स जो होते हैं मुख्तु ग्रुप्स में उनके मुख्तिक न्यूट्रेंट्स होते हैं कोई उन्हें फैट्स देते हैं कोई प्रोटीन्स देते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं कोई मिनरल्स देते हैं ठीक है कोई वाइटामिनस के लिए जरूरी है ट मस्ट बी प्रेजेंट इन अवर डाइट हमारी डाइट में सारी चीजें होनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे किसी चीज की कमी ना हो बॉडी में जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैच कॉलम ए विध बी कॉलम ए को बी से मैच करना है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिनरल फाउंड इन टेबल salt. टेबल साल्ट में यहाँ से कौन सा मिनरल पाया जाता है बेटा हमारे पास दैट इज सोडियम ठीक है बेटा उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वो कौन से होते हैं देट आर जी तो बेटा नेक्स्ट uh, हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से प्रोटीन है विटामिन सी ये बैलेंस डाइट है तो बेटा जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का दैट इज़ प्रोटीन्स ठीक है अ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग फूड फूड चूज करने में हमारे पास जो है फूड पैरामिड जो है ये चार्ट हेल्प करता है दैट इज़ फूड पैरामिड अ फूड दैट कंटेंट्स प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर अ पर्सन ऐसी खुराक जिसमें तमाम जो एसेंशियल न्यूट्रेंट्स है वो मौजूद होते हैं वो कौन सी है हमारे पास दैट इज बैलेंस डाइट बेटा ठीक है सिट्रस फ्रूट सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं बेटा मैंने आपको बताया था कि जो वाइटामिन सी वाले जो फ्रूट हमारी कमी पूरी करते हैं दैट इज सिटरस फ्रूट डेफिशियोडीन से क्या होता है हमारे पास तो बेटा डेफिशंसी ऑफ आयोडीन हमारे पास जो होती है दैट इज बाय डेफिशंसी ऑफ आयोडीन से क्या होता है हमें एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं गोइटर ठीक है बेटा तो ये हमारे पास यहाँ पे मैच द कॉलम सारे हो गए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हमारे पास आ, पहला क्वेश्चन है हमारे पास वट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट डेम स्कर्वी तो बेटा जी कौन सी वट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट इन स्कर्विस जो बीमारी उससे बचने के लिए कौन सी खुराक हमें खानी चाहिए तो बेटा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ऑरेंज हो गया गोवा हो गया ब्रोकोलाय हो गया स्ट्रॉबेरी हो गया दैट आर कॉल्ड ब्रोकली स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा जो है ये हमारी जो है हमें स्कॉ से प्रिवेंट करता है महफूज रखती हैं ठीक है बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है बेटा क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट देम गेटिंग रिकेट्स यानी रिकेट्स से बचने के लिए हमें कौन सी खुराक खानी चाहिए रिकेट्स बेटा मैंने आपको बताया है कि ये बीमारी होती है ये बोन्स की जिससे बोन्स आपकी सॉफ्ट या पतली हो जाती हैं तो मिल्क कॉड लिवर एंड सोयाबीन आर टेक इन रिच इन योर फूड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग रिकेट्स ठीक है ये चीजें आप लोग खाएं दूध वगैरह पिए तो आपको जो है रिकेट्स की बीमारी से आप लोग महफूज रह सकते हैं वट डज बॉडी नीड द फॉलोइंग फॉलोइंग फॉर इन ग्लूकोज फैट्स प्रोटीन्स अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास व्हाट डज बॉडी नीड द फॉलोइंग फॉर बॉडी को इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों होती है ग्लूकोज हो गया फैट्स हो गया प्रोटीन्स हो गया तो सबसे पहले देखें ग्लूकोज और बॉडी नीड्स ग्लूकोज एज अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज से हमें एनर्जी एन फास्ट एनर्जी मिलती है फैट्स बॉडी नीड्स फैट्स प्रोटेक्ट्स इट्सल्फ फ्राम द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंजेस प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट ब्रेन किडनी एंड लीवर ठीक है फैट्स जो है ये जो हमारे ऑर्गन्स है इनको भी प्रोटेक्ट करता है प्रोटीन्स जो है बॉडी को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए ठीक है रिपेयर या आप, आपका जो है रिप्रोडक्शन के जो फंक्शन है उनके लिए ये प्रोटीन्स की जरूरत होती है तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर है अ डाइट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स टू मच एंड सम टू लिटल इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट वट कैन हैपन इफ समेक्स अनबैलेंस डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई शख्स अनबैलेंस डाइट को ज्यादा खाएगा तो उसको क्या होगा इफ ए परसन टेक्स अनबैलेंस डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल इफेक्ट अवर ग्रोथ एंड हेल्थ बेडली जी तो बेटा इसका बी पॉइंट है वट विल है डेफिशंसीन इन द फूड अगर फूड में आयरन की कमी हो तो उससे क्या होता है अगर फूड में आयरन की कमी हो इट विल काज एनीमिया ठीक है बेटा इससे आपको एनीमिया की बीमारी हो जाती है वट विल हैपन इफ देर इज अ डेफिशिय विटामिन विटामिन डी की कमी से क्या होता है बेटा विटामिन डी की कमी से आपको ब्लीडिंग ऑफ गम्स और बाकी चीजें भी मैंने आपको लास्ट बताई है ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव है सम पीपल डू नॉट ईट मीट वट शुड दे ईट टू मीट द डिफिशियंसी प्रोटीस प्रोटीन्स की कमी पूरा करें उनको क्या खाना चाहिए अगर वो मीट नहीं खाते ही मस्ट ईट अदर फूड्स मोर इन क्वालिटी विच आर रिच इन प्रोटीन लाइक एग्स फिश पल्सिस मिल्क बीन्स तो ये चीज़ें उनको खानी चाहिए ताकि अगर वो कोच नहीं खाते तब भी उनकी प्रोटीन्स की कमी पूरी होती जाए हाउ में दे सफ़र इफ़ दे टेक प्रोटीन डेफिशेंट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी अगर वो प्रोटीन डिफिशेंट फूड को लॉन्ग टाइम के लिए अगर इफ़ दे टेक प्रोटीन डेफिशेंट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि वो ऐसी खुराक खाएंगे जिसमें प्रोटीन की कमी हो ज़्यादा उनको क्या होगा इफ़न टेक्स प्रोटीन डेफिशियंट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इस बॉडी ग्रोथ विल भी इफेक्टेड बॉडी की ग्रोथ जो है वह मुतासर हो जाएगी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी नेम फाइव प्रोटीन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी तो बॉडी में पाँच प्रोटीन्स पाए जाते हैं हमारे पास ट्यूबिलिन कैराटिन फाइब्रोन हेमोग्लोबिन इंसोलिन ये हमारे पास प्रोटीन्स जो बॉडी में पाए जाते हैं 3.6 जो है मेरे पास इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डर्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ़ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बॉडी अगर इन चीज़ों की कमी हो बॉडी में विटामिन ए की सी की डी की आयरन की या कैल्शियम की तो क्या होता है अगर विटामिन ए की कमी हो तो लीड्स टू अफेक्ट वी ठीक है देखने में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है डेफिशिएंसी या विटामिन सी कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम्स डेफिशिएंसी या विटामिन ए कॉज वीकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स ऑफ आयरन काज एनीमिया आयरन अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी बताया ठीक है ऑफ कैल्शियम काज वीकनेस ऑफ बोन्स रिकेट्स वगैरह की बीमारी आपको हो सकती है तो बेटा यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर थ्री के तमाम एक्सरसाइज क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन इन्वेस्टिगेशन वाले क्वेश्चन जो सारे खत्म हो गए हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर फोर के क्वेश्चन करेंगे दुआओं में याद रखिएगा अपना डेढ़ सारा ख्याल रखियेगा अल्लाह हाफिज